असांजो हींअर ॿियो कुझु केरु कोन्हे मिटाए सघनि था हली त हीउ भॼन जेको आहे साईं जन जो लिखियलु आहे, मां उहो ई तव्हांजे अॻियां पेश थो कयां। ॾिसो त कीअं साईं जन लिखियो आहे, छा तव्हांखे इहा ॻाल्हि वणे थी, सही ॻाल्हि लॻे थी, पर दिलि न हुजो कॾहिं बि, दिलि तव्हांखे कंहिं सूरत में लाहे नाहे सुणी आहे। हिमत वरी बि असां रखी सघूं था, हेॾा बुज़ुर्ग माण्हू वेठा आहिनि, मूंखे वेठा आहिनि, हिमत आई आहे, ते हिमत रखणु ज़रूरी खपे। मां ई तव्हांखे भॼन ॿुधायां थो साईं जन जो आहे। दिलि जे दर्दनि जी दवा तो दर मिले, दिलि जे दर्दनि जी दवा तो दर मिले, ज़िंदगीअ जो राज़ ॿियो कंहिं सांस लियां, ज़िंदगीअ जो राज़ ॿियो कंहिं सांस लियां, हाल ई दर्दनि भरियो कंहिं सां करियां, हाल ई दर्दनि भरियो कंहिं सां करियां, दिलि जा ग़म लाहे अहिड़ो दिलबर मिले, दिलि जा ग़म लाहे अहिड़ो दिलबर मिले, तो जहिड़ो ॿियो न मूंखे डॉक्टर मिले, दिलि जे दर्दनि जी दवा तो दर मिले, विरह तुंहिंजे जी लॻी बीमारिया, मालिक तुंहिंजे मिलण जी इंतज़ारिया, मूंखे जो तो सां मिलाए सतगुरु मिले, मूंखे जो तो सां मिलाए सतगुरु मिले, तो जहिड़ो ॿियो न मूंखे डॉक्टर मिले, दिलि जे दर्दनि जी दवा तो दर मिले, मर्ज़ मुंहिंजे खे सुञाणे न तो सवाइ, मर्ज़ मुंहिंजे खे सुञाणे न तो सवा, दर्द मुंहिंजे जो आहे तो वटि दवा, राह जो राही सचो रहबर मिले, राह जो राही सचो रहबर मिले, तो जहिड़ो ॿियो न मूंखे डॉक्टर मिले, दिलि जे दर्दनि जी दवा तो दर मिले, तूं सखी आहीं सभा जा बाझ कर, तूं सखी आहीं सभा जो बाझ कर, मूं निमाणीअ ते पंहिंजी नज़र धर, माधव ते बि महर कर सतगुरु मिले, माधव ते बि महर कर सतगुरु मिले, तो जहिड़ो ॿियो न मूंखे डॉक्टर मिले, दिलि जे दर्दनि जी दवा तो दर मिले। इहा हक़ीक़त अथव, दिलि जी दर्द जी दवा ॿियो केरु कोन ॾींदो आहे, पर भली दिन लाहिजो। ॿ लाइनियूं ॿी थो ॿुधायां तव्हांखे, दिलि तव्हांखे कंहिं सूरत में लाहिणु न खपे। असां जवान आहियूं, मूंखे केरु ॿुढो चवंदो आहे, मूंखे गुसो लॻंदो आहे, ॿुढो शरीर थी वियो आहे, इन में को शक कोन्हे, शरीर ॿुढो आहे पर आहियूं असां जवान आहियूं। सभु शेर वेठा आहिनि, सभु यारहं जेके आहिनि शेर आहिनि, हिनखे तव्हां समानता कयूं न, समान कंहिंखे कबो आहे, शेरनि जो, शेरनि जो समानता कयूं। इन खे चए थो दिलि मतां लाहे छॾी, ध्यानु सां ॿुधियो, दिलि मतां लाहे छॾी हिकु वार लीलाहे त ॾिस, हू सॼण आहे सभा जो लेकिन तूं बाॾाए त ॾिस, लेकिन तूं बाॾाए त ॾिस। ताड़ियूं वॼाए स्वागत कयूं। मां अर्ज़ु कंदुसि कलवाणी साहब खे ऐं मुखी साहब खे त मंच ते अचनि, दादा नारायण दास जो स्वागत कनि।
मां अर्ज कंदुस वाधवाणी साहब के ए लालवाणी साहब पार्षद लालवाणी साहब त साई फतनदास साहब जो स्वागत कन भाई रोटी तो यार खाई आया हूं पो ताड़ियन में गड़गड़ाहट छो ना है याई जे शाम जा अठ हो जना तो मां कंवल के चवा हां पहरी रोटी खाराए पो ताड़ी वारिया रहे पर हियर तो ही रोटी को ना खाराइंदो एको दा बहुत जोरदार ताड़ियन सा मंच ते बैठल मेहमानन जो बासा माल्यार्पण करे स्वागत करनासी बा रमेश तिलवाणी मंच ते अचन बा घनशानी जी कालू भाई बुधवानी जगदीश अभिचंदानी पैरी गिरधर तेजवानी साहब जो ओ जामनानी साहब जो सही ता ये मुखे दई छ जो वापस मां पेंचे लाए बियो कया ही तां जे लाए कोन दो कया दादा ताई ने सिखारियो आई है ही नंडड़ी सी फॉर्मलिटी आ या एक बे जी इज्जत अफजाई आ या डाडी जरूरी थिंदी आ ए सब कंदा न ना आयु जे माम सावरे विंदो आया मखे जे 500 जो नोट 100 रो दिनो आया चा न न न कोना खपे कोना खपे उ समझी विंदो आ ने 1000 रुपया खपन ताने भगत भाऊ भी ये बे करे अरे ता त राजनीति में रहया हो ता जो खादो पीतो माल आए एको दा वो सबनी जी जोरदार ताड़ियों सा स्वागत करे माने अर्ज कंदुस बा गिरधर तेजवाणी के त अजो के हने कार्यक्रम के गति दियन शुरुआत कन बा गिरधर तेजवाणी संत वृंद मुजा बुजुर्गों युवा साथियों माताओं बहनों ये डाडी खुशी गाल है ता असाई समिति पारा लगातार टे भेरे ये कार्यक्रम अस आयोजित क्यों पा जैमें अस 11 अड़ी शख्सियत जो सम्मान अभिनंदन कदा क्यों हिंसर भी कदी जिनो समाज में कें हर क्षेत्र में विशेष कंट्रीब्यूशन रो इन मौके से एक विशेष गाल चवण चाहस त असां जिन शख्सियतन के सम्मानित कयूं पिया वो विशेष इन करे आए छो त हिंदुस्तान जे विभाजन का पोए असांजा जेके बुजुर्ग हिते आया या त उहे उन्हनि जो पैदाइश सिंध में थी या हिंदुस्तान में थी त उन्हनि जहिड़ी हालतूं हिते ॾिठियूं उन्हें तां कल्पना भी न कर सको पान कल्पना भी न कर सको केड़ा हालात असाए बुजुर्गन के दिसणा पिया अड़े हालात में संघर्ष करे पांजे पांजे क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल उन्हें कई है यह डाढ़ी वड़ी गाल है मिसाल त हिंजर 20 साल का पहरी मान लो को शुरू थे हो जे वो अज का 20 साल पर डाढ़ी वड़ी का उपलब्धि हासिल करे तो 10 साल का पो उपलब्धि हासिल करे तो का खास गाल कने छो तो हाने असाई जगह पीढ़ी है वह जगह उपलब्धि हासिल कंदी उड़ा साधन संपन्न है उनके सब साधन है पर ये जगह पीढ़ी है इन उन हालात में संघर्ष किया है जे अस बिल्कुल जमीन तवासी तो इन करे हिन सामान जो मां डाढो विशेष महत्व समझंदो आ हिन मौके ते अस जेके सम्मानित अतिथि हैं शख्सियतूं उन्हें सम्मान करण से गड एक अभिनंदन पत्र भी भेंट कंदासीं उन अभिनंदन पत्र में सभी जेतरा अभिनंदन पत्र हैं उन्हें में एक कॉमन लैंग्वेज आए मथा उन हर एक जो इंडिविजुअल लाइफ के बारे में हल्को सो बायोडेटा दिनल है इन में बा हरिचंदानी की ढी मेहनत कई है अस इन पैरी जगह पुस्तक कढ़ी सी चंगा बायोडेटा अस उन पुस्तक में भी ये प्रकाशित कया इतने टाइम न खराब थे
इन करे मु उन बायोडेटास में जेके अभिनंदन पत्र में लिखल हैं उनके थोड़ो नंडो कयो आ बी गाल त इन लाय मां क्षमा प्रार्थी आया त ही अभिनंदन पत्र जो को आ वो असा हिंदी में इन करे ठारायो आ छो त अभिनंदन पत्र एडी शे आ जो घणो करे मानू ड्राइंग रूम में रखना है या के विशेष अतिथि इंदो आ त उनके देखारिना है त निश्चित रूप सा असा हाने इते घुली मिली आयो त असा घणे यार दोस्त है मिलन वारा वे हिंदी भाषी हैं तो उ भी जानी सकन तो भाई इन शख्सियत के ही अभिनंदन छो थो है तो मां ताके एक दफा पहरी वो पहरो बुधाई दा जो सभी अभिनंदन पत्र में लिखल है हिंदुस्तान के दो टुकड़े होने के दौरान अपनी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा के लिए जमीन जायदाद सब कुछ का त्याग कर सिंध प्रांत से अजमेर आए हमारे सम्माननीय बुजुर्गों ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए न केवल अपने आप को स्थापित किया अपितु अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से सिंधी समाज का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है कि आप उन चंद शख्सियतों में शुमार हैं। आपने पुरुषार्थ कड़ी मेहनत और लगन से अपने आप को एक मुकाम पर स्थापित किया है। समाज को दिए आपके अविस्मरणीय योगदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आप हमारे प्रेरणा स्तंभ हैं जिनसे पूरे समाज को ऊर्जा मिलती है। इस मौके पर आज यहाँ स्वामी कॉम्प्लेक्स में आपका अभिनंदन करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इस अभिनंदन पत्र के माध्यम से हम आपका संक्षिप्त परिचय भी देना उपयुक्त समझते हैं ताकि इसे पढ़ने वालों को आपके व्यक्तित्व के बारे में फौरी जानकारी मिल सके और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। यो एकड़ो कॉमन मैटर है हाँ मां जी जी एक एक शख्सियत असा आमंत्रित करा थी तो उन्हें जे बारे में हल्को सो बायोडाटा बुधाई सभी का पैरी श्री रामचंद धनोमल गुलाबानी संभवत उते शायद इतने अज उपस्थित न थी सकया हाँ तो मां वरी श्री रामचंद गुलाबानी का जन्म 25 नवंबर 1945 को सिंध के टंडो अहलियार में हुआ। मिडिल तक शिक्षा में आदर्श स्कूल में प्राप्त की। 15 जुलाई 1971 को आपका विवाह हुआ। आपने पढ़ाई जल्दी छोड़कर बाहर जाने का व्यापार किया। आपके कपड़े के व्यापार के वास्ते ब्यावर भी गए और फिर टेक्सटाइल व्यापार अजमेर में शुरू किया जो आज भी जारी है। आपके पुत्र विदेश में व्यापार कर रहे हैं। आप साईं बाबा मंदिर से जुड़े हुए हैं और मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ही जो अभिनंदन पत्र आए इनके महेश तेजवानी जी अची इनके ग्रहण कंदा ताकि उनके पहुँचा सकन प्लीज। श्री रमेश कुंदन दास परियानी आया कान कोई गाल्हि मां उन जो बायोडाटा बुधायां। सिंध जे टंडे आदम के निवासी श्री कुंदन दास परियानी का सुख के सुपुत्र श्री रमेश परियानी का जन्म 30 नवंबर 1950 को गुलाबपुरा में हुआ। आपने सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त की मगर आपको अंग्रेजी हिंदी सिंधी का अच्छा ज्ञान है। आपका परिवार 1953 में अजमेर में आ गया था। आरंभ में पड़ाव में आलू व प्याज के साथ गुड़ शक्कर फल आदि का कार्य शुरू किया। वर्तमान में पड़ाव के मुख्य होलसेल व्यापारी हैं। आपने पिक्चर हॉल होटल गेस्ट हाउस का भी अच्छा कार्य किया है। समाज हित के कार्यों में सदैव मदद करते रहते हैं। आप बजरंगगढ़ स्वामी माधवदास दरबार और आदर्श नगर से जुड़े हुए हैं। हाँ श्री कन्हैयालाल जैसाराम जेठवानी जी। श्री कन्हैयालाल लाल जेठवानी का जन्म 4 अप्रैल 1944 को सिंध में 9 शहरों फेरोज में हुआ। आपने कक्षा 6 तक मोनिया इस्लामिया स्कूल से पढ़ाई की है। आपको हिंदी अंग्रेजी और सिंधी का अच्छा ज्ञान है। आपने 1955 में सब्जी टमाटर अदरक आदि का होलसेल व्यापार किया है। आप लगातार 4 बार से मंडी व्यापारी पंचायत के अध्यक्ष हैं। आप धर्मेश्वर मंदिर के सेवादारी और अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में शहर के समस्त मंदिरों सेवा ट्रस्टों से जुड़कर सेवा कार्य करते हैं। 73 वर्ष की उम्र में भी आप पूरी तरह से सक्रिय हैं। श्री नथुमल मूलचंद हरपलानी जी। श्री नथुमल हरपलानी जी का जन्म
14 अगस्त 1950 को सिंध के गांव शहदादपुरा में हुआ। आपने 1963 में राजेंद्र स्कूल से छठी की कक्षा पास की, उसके बाद 14 वर्ष की अल्प आयु में ही नौकरी शुरू कर दी। 1976 से स्वयं का चूड़ी का होलसेल का व्यापार पुरानी मंडी में आरंभ किया। वर्तमान में आप रेडीमेड लेडीज के सारे आइटम, कॉस्मेटिक्स, चूड़ी आदि का व्यापार करते हैं। पिछले 2 वर्ष से बलदेव नगर में रह रहे हैं और समाज के हर कार्य में सेवा में जुटे रहते हैं। श्री खुशाल दास चेलाराम लेखवानी जी। श्री खुशाल दास लेखवानी जी का जन्म 1 सितंबर 1942 को सिंध के हैदराबाद में हुआ। आपने 1963 में स्नातक की परीक्षा डीएवी कॉलेज से पास की। आपने अजमेर में 1948 में सिटी बस संचालन का कारोबार किया। आजकल आपका ट्रेवल टूरिस्ट का बस का कार्य है। आप लायन क्लब से जुड़े हुए हैं। आपका स्वामी ईश्वर देव, स्वामी ईश्वर गोविंद धाम से भी लगाव है और स्वामी माधवदास दरबार आदर्श नगर के अदरण्य भक्त हैं। सुश्री पुष्पा पुत्री श्री नारायण दास साधवानी जी। आपका जन्म दिनांक 1 अगस्त 1954 को हुआ। आपका परिवार सिंध में हैदराबाद जिले का निवासी था। आपके पिताजी का अजमेर में मशहूर प्लाजा इंक का व्यापार था। आपने 1976 में एमए और 1978 में बीएड तक शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात आपने जो है अपना कैरियर आरंभ किया और सन 2014 में बालूपुरा स्कूल से प्रधानाध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। आपने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर जन सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आप अनेक गतिविधियों में भी शामिल रही हैं, विशेष रूप से विद्यार्थियों को पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, फीस इत्यादि की सहायता प्रदान करती हैं। और 2013 में ज्वाला प्रसाद नगर के झूलेलाल मंदिर में भी आपने सेवा प्रारंभ की और वहाँ एक महिला संगठन बना करके समाज में एक अद्भुत जागृति पैदा की है। आपको जानकारी होगी कि नाका मदार के बारे में आम धारणा क्या है, वहाँ किस तरह का हमारा समाज वहाँ संघर्ष कर रहा है, किस तरह से वहाँ उस इलाके में एक महिला ने अपना जीवन समर्पित किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। श्री नारायणदास रामचंद हरवानी जी। आपका जन्म सिंध में 20 सितंबर 1944 को गांव मीरपुर खास सोडाना थार पार कर जागीरदार परिवार में हुआ था। आपकी शिक्षा मिडिल तक हुई है, लेकिन व्यावहारिकता और वास्तविक जीवन में आपको बहुत ज्ञान है। आपका परिवार सिंध में साधन संपन्न था और 1700 एकड़ भूमि के मालिक थे। आपका परिवार आज़ादी से पहले भी पुष्कर व हरिद्वार आता रहता था। 1948 में आपका परिवार सिंध से अजमेर आकर लोहड़ा धर्मशाला रुका और उसके बाद में डिग्गी बाजार में रहने लगे। आपके पुत्र चीन और केन्या में अपना व्यापार करते हैं। आप भी अनेक बार विदेश भ्रमण को गए हैं। आपने 1952 में पुष्पा ऑयल मिल थाईलैंड में आरंभ की और आप प्रतिवर्ष एक सूखड़ी के नाम से एक स्मारिका प्रकाशित करते हैं। बड़े पैमाने पर उसका वितरण होता है और उसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां होती हैं। आप धार्मिक विचारों के कारण हालानी दरबार, मनोहरधाम दरबार और महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी के अनुयायी हैं। श्री जेठानंद रामचंद गोलानी जी। आपका जन्म ब्यावर जिला अजमेर में दिनांक 26 जनवरी 1948 को हुआ। सिंध में आपका परिवार नवाब शाह का रहने वाला था। आपके 4 भाई एक बहन है। आपके सारे भाई उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर पहुंचे हैं। आप जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के चीफ इंजीनियर रहे हैं। आपके वरिष्ठ भ्राता ग्राउंड वाटर बोर्ड में चीफ इंजीनियर और एक भ्राता रोडवेज में उच्च स्तर पर इंजीनियर रहे हैं। आपके छोटे भाई वर्तमान में जीएस इंडिया में डिप्टी डायरेक्टर के उच्च पद पर कार्य कर रहे हैं। आपके छोटे भाई अतिरिक्त मुख्य अभियंता विद्युत विभाग कोटा में कार्य कर रहे हैं। आपके अकेले जीजाजी कानपुर में जेके कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हैं। आपके दोनों पुत्रों ने खड़गपुर से आईआईटी डिग्री प्राप्त की है। दोनों पुत्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में उच्च पद पर इंजीनियर हैं। डॉक्टर प्रकाश दयालदास नरवानी। आपका जन्म 16 जनवरी 1954 को हुआ। आपका परिवार सिंध में मटियारा में रहता था। आपके परिवार का अजमेर में पोल्ट्री फार्म और मुर्गी
के फीड का व्यापार था, मगर आपने उसमें रुचि नहीं लेकर के बीएससी प्राप्त की और 1980 में एमबीबीएस करके फाइसागर रोड पर प्राइवेट क्लिनिक आरंभ की। अपने सरल हंसमुख स्वभाव के कारण आप जल्दी ही मरीजों में लोकप्रिय हो गए। वर्तमान में आपने फाइसागर रोड पर ही अस्पताल चालू कर रखा है। आपका नया अस्पताल अनेक सुविधाओं से युक्त है। आप हालानी दरबार, जतोई दरबार के साथ साथ शहर के हर सामाजिक और धार्मिक कार्य में रुचि लेते हैं। श्री रामचंद नानक राम धर्मानी जी। श्री रामचंद नानक राम धर्मानी का जन्म अंधेरी मुंबई में 22 जुलाई 1949 को साधारण परिवार में हुआ। आपके पिता श्री की आशागंज अजमेर में सोने चांदी की दुकान थी। आपने सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी की परीक्षा सरकारी स्कूल से द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की, लेकिन बाद में आपको पढ़ाई का जुनून हो गया और अंततः आपने जो है स्नातक साइंस बायोलॉजी में टॉपर किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद में आपने जो है आरएएस की परीक्षा भी दी, उसमें चयनित हुए और इसके साथ साथ अनेक पदों पर रहते हुए राजस्थान भर में अनेक शहरों में अनेक जिम्मेदारी के पदों पर रहते हुए आपने अपने सेवाएं दी है। आपके पुत्र डॉक्टर चंद्रभान ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है और वर्तमान में शिकागो में कार्य कर रहे हैं। मां तांके जान दिया तो असा जने ये 11 शख्स जा नाला जने फाइनल करे चुका हासी उनमें इन्हें जो नालो शुमार आहे, पर दुर्भाग्य से वे असा विच में नयन तो असा के लगो तो छो तो असा यो तय कर चुका हासी तो असा उन्हें जो अभिनंदन कदासी तो ही अवार्ड जो आखिरी जो सम्मान है अभिनंदन है यो मरणोपरांत अभिनंदन है स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राधा कृष्ण कोटवानी जी। स्वर्गीय श्री लक्ष्मण कोटवानी का जन्म 12 दिसंबर 1948 को अजमेर में हुआ। आपने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रथम वर्ष तक पढ़ाई की, मगर उसे छोड़कर 1966 में पड़ाव में अनाज के होलसेल का पैतृक व्यापार किया। कुछ समय बाद मुंबई जाकर बुश कंपनी में काम किया और बिजली के सामान का व्यापार किया। 1973 तक वहाँ रहे, फिर अजमेर आकर कॉस्मेटिक साबुन वगैरह का व्यापार किया। मिलिट्री में ठेकेदार भी बने। 1980 तक ठेकेदारी करके यूआईटी में कार्य करने लगे, साथ साथ जमीनों का व्यापार भी किया। शहर में उच्च स्तर की व्यवस्थित कॉलोनियाँ जो बनी है, आज जो शहर का विकास हमको नजर आता है, उसमें उनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वभाव से आप थोड़ा सख्त और समय और काम के पाबंद रहे और इसी कारण आपकी एक विशेष पहचान समाज में कायम हुई। ये जो थे, मैंने अपनी जो भूमिका थी उसका निर्वहन कर दिया है। शुक्रिया। गुणग्राह थी करे उनका पुछ जे ते तांखो तायो सम्मान छो थियो, केड़े कारण थियो, को त ता में गुण हुंदो ओ असा उनन वजन मा असा गुण खणू उनन खा आशीर्वाद वठूं तो थी सके तो कदें जेके मुझा सजन पुठा वेठान कदें असा जो भी नंबर अची वने तो असा तो इही दुआ कंदासी। उन सजन खां भी मां भी दुआ वठंदा छाकाण पिता तुल्य आहिनि असांजा त ऐं बुजुर्ग सदाई असांखे आशीर्वाद ॾींदा आहिनि। कहिड़ो बि पीउ हुजे या माता हुजे उहे चवंदा आहिनि पुटु सदाई ख़ुशि हुजो। भले हुननि जे दिलि में का बि ॻाल्हि हूंदी न, पर हुननि जो दिलि ॾाढो नरम थींदो आहे त उन्हनि सजण खे बि परमात्मा सघ ॾे त समाज जी सेवा करे ऐं पंहिंजो जीवन जीअं अॻे खां अॻो कयो अथनि तीअं असांजी नंढी टई खे बि कुझु ज्ञान औज़लाइक ॾियनि त उहे बि सजण प्रेम भाव सां रही करे जहिड़ी तरह हुननि बि हिकु हिकु ॾाकणु चढ़ी करे कंहिं औज़ ते पहुता आहिनि त परमात्मा करे असांखे बि इहा सुमती उन वॾनि खां आशीर्वाद मिले त असां बि पंहिंजो जीवन सफल कयूं। तव्हां सभिनी भाउरनि भेण खे हिन शुभ कार्य में आया सभिनी खे शुभ आशीर्वाद शुभकामनाऊं ऐं चेटीचंड नए साल जी बि तव्हां सभिनी खे लख लख वाधायूं। हरिओम, शांति। दोस्तो, अजमेर जे समाज जा ही सिंधी रतन असांजे सिंधी समाज जी सुञाणप आहिनि। हिननि समाज में रही रहंदे परिवार जूं सामाजिक ज़िमेदारियूं बख़ूबियूं निभायूं ऐं समाजिक ऐं गॾो गॾु समाज ऐं इंसानियत सां पंहिंजो फ़र्ज़ बि निष्ठा सां निभायो। अॼु सिंधी समाज महासमिति हिननि जो समानन करे
पंहिंजो फ़र्ज़ अदा करे रही आहे। मां उमेदु थो कयां त असांजा आयल सिंधी सजण भाउर भेनर हिननि सिंधी रतननि मां प्रेरणा जी रोशनी हासिलु कंदा ऐं पंहिंजी ज़िंदगी सार्थक बणाइण जी कोशिशि कंदा। हिननि सजणनि जी आईंदे जी ज़िंदगी सार्थकता ऐं समाज सेवा में गुज़रे मां अहिड़ियूं शुभकामनाऊं खे ॾेई रहियो आहियां। महिरबानी साईं, जेके भाउर भेनर हिते हली करे हिन कार्यक्रम खे शान वधाइण लाइ आया आहिनि, मां उन्हनि जो बि तह दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां, छाकाणि त सिंधीअ में चवणी आहे जंहिंजे खां सवाइ घोट वेरो लॻंदो आहे। तव्हां भाउर भेण जी वॾी महिरबानी। तंहिं सां गॾु मां संतनि जे सभिनी समितियुनि जे सभिनी संतनि जो ख़ैरु मक़दम कंदुसि। असांजा सुहिणा साथी श्री कंवल प्रकाश, श्री हरी चंदनाणी, श्री गिदर तेजवाणी, मां बि कंहिंजा कंहिंजा नाला वठां, उन्हनि जे मार्गदर्शन में तमामु शानदारु कमु करे रहिया आहिनि। सचपच तव्हां सभिनी खीरियूं लहरियूं। मां मीडिया जो बि शुक्रगुज़ार आहियां। हिकु बार तव्हां सभिनी जो पुनः धन्यवाद। जय सिंधी, जय सिंधियत, जय सिंधी समाज। आयोलाल झूलेलाल।